हाय फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का रिटेल स्मार्ट इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग अपने ही बनाए हुए पुराने वीडियो जो कि हम लोगों ने रिलैक्सो पर बनाया था उसको रिव्यू करने जा रहे हैं। और इस वीडियो की दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ, आप स्क्रीन पर देख रहे हो, हमने 2 सप्ताह पहले ही डाला था। ये देखिए, ऊपरी स्तरों में फंस गए हैं, क्या करना चाहिए, बाई सेल और होल्ड। और इसके अलावा मैं एक और पुराने वीडियो का यहाँ पर जिक्र करने जा रहा हूँ जो कि हमने दिसंबर महीने में डाला था, 31 दिसंबर को। उसमें हम लोगों ने अनुमान लगाया था दोस्तों कि रिलैक्सो में एक रीरेटिंग हो सकती है। उस समय रिलैक्सो तकरीबन 1350 रुपये पर चल रहा था, लेकिन मार्केट में यूक्रेन के चलते जो बिकवाली हावी हुई और रिलैक्सो का शेयर भी बाकी स्टॉक की तरह करेक्शन में चला गया। अगर हम लोग इसके चार्ट को देखें तो ये देखिए, लगभग ऊपरी स्तरों से ये करेक्ट होकर के नीचे चला गया और ये अपने वीकली बेसिस पर 100 डेज एमा को टच किया, यानी कि 100 डेज वीकली बेसिस पर 100 डेज की जो इसको मूविंग एवरेज है उसको इसने टच किया। तो हम लोगों ने जो मार्च महीने में जो वीडियो बनाए थे उस समय हम लोग क्या अनुमान लगाए थे उसको चल करके देखते हैं। उसके बाद फिर हम लोग वापस अपने एनालिसिस को आगे बढ़ाएंगे और पुराने जो हम लोगों ने एनालाइज किए थे वहाँ तक हम लोग सही हुए उसको देखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग ये अनुमान लगाने की कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में रिलैक्सो फुटवेयर इस शेयर में जो रिकवरी देखने को मिल रही है वो जारी रहेगी और क्या रिलैक्सो फुटवेयर के शेयर लाइफ हाई को छू सकते हैं। इन सारी संभावनाओं की तलाश हम लोग इस वीडियो के जरिए करने जा रहे हैं। तो ये वीडियो इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, तो आपको कहीं जाना नहीं है, शुरू से लेकर के अंत तक आप बने रहें और लगातार आप मेरे चैनल पर अपलोड होने वाले वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। चलिए हम लोग अब पुराने वीडियो के पोर्शन को देखते हैं कि हम लोगों ने क्या पाया था। लंबे समय के उसको कुछ अपने स्तर से समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं दोस्तों कि ये जो रेड वाली लाइन है ये 200 डेज एमा है, ये ब्राउन वाली लाइन है 100 डेज एमा है, ये पर्पल वाली लाइन है ये आपकी 50 डेज एमा है और ये पिंक वाली लाइन आपकी 20 डेज एमा के इंडिकेटर हमने लगाए हुए हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को दोस्तों अगर ध्यान से देखें तो ये जो ब्राउन वाली लाइन है दोस्तों जो कि 100 डेज एमा है, तो इस लाइन को ये देखिए काफी कम समय में रिलैक्सो फुटवेयर का शेयर भाव टच करता है। ये देखिए, अगर यहाँ पर अभी इसने टच किया है लेकिन इसके पहले कब टच किया था, तो ये देखिए जब लॉकडाउन फर्स्ट टाइम लगा था ये 100 डेज एमा को उस समय भी टच नहीं किया था, वहां से इसने यू टर्न लिया था और एक नया लाइफ हाई बनाया लगभग 1450 रुपये का। लेकिन इस बार इसने अपने 100 डेज एमा को टच कर लिया है और हिस्ट्री अगर हम लोग देखें तो ये काफी कम बार अपने 100 डेज एमा को पास्ट में भी छुआ है। ये देखिए, यहाँ पर एक छुआ था, कब ये छुआ था, 2016 में। उसके बाद फिर देखिए इसमें बहुत तगड़ी रैली आई और ये जब जब अपने 100 डेज एमा को छूता है उसके बाद इसमें बहुत तगड़ी रैली आती है। तो जैसा कि दोस्तों अभी हम लोगों ने देखा कि जो वीडियो 30 मार्च को हम लोग अपलोड किए थे उस समय रिलैक्सो का शेयर भाव 1047 रुपये चल रहा था और हम लोगों ने ये देखा था टेक्निकली कि जब भी ये शेयर वीकली बेसिस पर 100 डेज एमा को छूता है तो इसमें बाउंस बैक आता है। और जब वो वीडियो बना था दोस्तों उस समय बाउंस बैक नहीं आया था, ये लोअर लेवल पर जस्ट टच ही किया था। तो आज हम लोग क्या देख रहे हैं दोस्तों कि जैसा हम लोगों ने अनुमान लगाया था उस हिसाब से इसमें बाउंस बैक आया है और अपने लोअर लेवल से
ये काफी ऊपर निकल चुका है, तकरीबन 100 रुपये ऊपर निकल चुका है। तो अब दोस्तों आगे क्या हो सकता है, क्या ये रिकवरी इस स्टॉक को और ऊपर ले जाएगी, या ये स्टॉक इन स्तरों से वापस करेक्शन में चला जाएगा और नीचे लुढ़क करके गिर जाएगा। इसी बात की चिंता हम इन्वेस्टरों को होती है और इसी बात को हम लोग इस एनालिटिकल वीडियो के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि कोई भी स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग हो या वीक हो, जब मार्केट में बिकवाली हावी होती है तो सारे के सारे स्टॉक पिटते हैं, लेकिन जो मजबूत फंडामेंटल वाले स्टॉक होते हैं, जब भी मार्केट के सेंटिमेंट पॉजिटिव होते हैं तो उसमें सबसे पहले रिकवरी आती है। और जैसा कि हम लोगों ने पुराने वीडियो में भी ये बातें की थी, जिसके लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी हैं, कि रिलैक्सो के फंडामेंटल्स काफी मजबूत हैं। तो हम लोग इसके फंडामेंटल को इस वीडियो में तो चेक नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ बात करेंगे कि जब रिलैक्सो के जो Q4 के जो नतीजे आएंगे वो कैसे रह सकते हैं। और साथ में अब तो हम लोग FY22 के एंड में आ चुके हैं, तो अब हम लोग को बात करना चाहिए FY23 के बारे में। तो पूरे साल FY23 में, जब नेक्स्ट ईयर हम लोग इसी समय में इसके Q4 और एनुअल रिजल्ट देखेंगे, उस समय रिलैक्सो कितना रेवेन्यू रिपोर्ट कर सकती है, इसके प्रॉफिट कितने हो सकते हैं, उसको हम लोग अनुमान लगाने की कोशिश करेंगे। और उसी के आधार पर हम लोग ये जान पाएंगे कि ये स्टॉक इन स्तरों से रैली करेगा कि नहीं और फ्रेश लाइफ हाई बना पाया कि नहीं। तो चलिए दोस्तों हम लोग सीधे चलते हैं और रिलैक्सो के जो एनुअल सेल्स ग्रोथ देखने को मिले हैं वो कैसे मिले हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, FY10 में 554 करोड़ का सेल्स करने वाली कंपनी FY21 आते आते तकरीबन 2400 करोड़ का सेल्स रिपोर्ट कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि पिछले 11 सालों में इनके जो सेल्स हैं वो ऑलमोस्ट 5 टाइम्स हम लोग बढ़ता हुआ देखे हैं। वहीं इसके नेट प्रॉफिट जो हैं FY10 में मात्र 38 करोड़ हुआ करते थे, जो कि FY21 आते आते ये बढ़ करके 292 करोड़ हो गए। तो यहाँ पर भी हम लोग देख पा रहे हैं दोस्तों कि इनके नेट प्रॉफिट में 9 टाइम्स का जंप हुआ। तो इनके सेल्स बढ़े 5 टाइम्स पिछले 11 सालों में, जबकि इनके नेट प्रॉफिट 9 टाइम्स से मल्टीप्लाई हुए हैं, जिसके चलते रिलैक्सो ने काफी जबरदस्त रिटर्न दिया है, जिसकी चर्चा हमने अपने पुराने वीडियो में की है। जो लोग नहीं देखे हैं आप लिंक में जा करके, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं, वहां पर जा करके आप देख सकते हैं कि रिलैक्सो ने कितना रिटर्न दिया है। तो अब हम लोग दोस्तों ये कैसे जाने कि इनके सेल्स क्या इस प्रकार से पास्ट में बढ़े हैं, उस प्रकार से बढ़ सकते हैं कि नहीं। तो दोस्तों मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि हमने 31 दिसंबर को भी एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें चर्चा की थी कि रिलैक्सो ने भिवंडी राजस्थान में अपना एक नया प्लांट डाला है, जो कि ऑपरेशनल भी हो चुका है। और उस प्लांट के डालने के पहले दोस्तों जो रिलैक्सो फुटवेयर की पर डे प्रोडक्शन कैपेसिटी थी वो 7.5 लाख पेयर पर डे थी। तो भिवंडी के प्लांट ऑपरेशनल होने के बाद इनके जो कैपेसिटी बढ़ करके कितने हो गए दोस्तों, तो वो 10 लाख पेयर पर डे हो गए हैं। तो आप ये समझ लो दोस्तों कि इनके जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है उसमें कितना का इजाफा हुआ, तो ये तकरीबन 30% से ज्यादा का इजाफा हम लोगों को देखने को मिला है इनके प्रोडक्शन कैपेसिटी में। तो हम लोग दोस्तों क्या अनुमान लगाएंगे कि आने वाले जो FY23 में फुल ईयर में इनके सेल्स कितने रिपोर्ट हो सकते हैं। तो हम लोग मान करके चलें दोस्तों कि इन्होंने जो FY21 में जो सेल्स रिपोर्ट किया है, इसमें तकरीबन तकरीबन हम लोगों को 30% का कंजर्वेटिव इन्हांसमेंट देखने को मिल सकता है, ग्रोथ देखने को मिल सकता है। तो हम लोग 30% भी लेकर के चलें दोस्तों, तो FY23 में ये कितना का सेल्स रिपोर्ट करने वाली है, तो ये जो फिगर निकल करके आएगा दोस्तों, अगर हम लोग 30% इसको बढ़ा दें तो ये तकरीबन
2800 करोड़ के आसपास देखने को मिल सकता है, कम से कम कंजर्वेटिवली, क्योंकि रिलैक्सो का जो बिजनेस था लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से बहुत जबरदस्त तरीके से हैम्पर हुआ था, लेकिन अब किसी भी प्रकार के लॉकडाउन नहीं है, सभी स्कूल कॉलेज खुले लगे हैं, तो इनके जो सेल्स हैं वो काफी हाई ग्रोथ से हम लोगों को ग्रो करते हुए देखने को मिलेंगे, और इसका जो कैपेसिटी इन्हांसमेंट हुआ है उसका जबरदस्त फायदा रिलैक्सो फुटवेयर उठा सकती है, और ये कम से कम 2800 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट कर सकती है, ऐसा हम लोग मान करके चल सकते हैं। अब दोस्तों दूसरी बात और भी है कि इसमें करेक्शन क्यों हुआ था, जब ये 1400 रुपये के लेवल पर ट्रेड करा था करेक्शन क्यों हुआ था, तो इस पर भी हम लोगों ने पुराने वीडियो में चर्चा की थी। क्योंकि इनका जो रॉ मटेरियल है वो डायरेक्टली रिलेटेड रबर और क्रूड ऑयल से है, और रबर और क्रूड ऑयल दोनों के ही प्राइस जो है काफी एलिवेटेड लेवल पर पहुंच चुके हैं, और जिसके चलते इनके जो सिम्टम थे, जो ये फ्रेश ब्रेकआउट दिया था यहाँ से, इसमें काफी तेजी होनी चाहिए थी, जबकि हो गया उल्टा और इसने करेक्शन दिखाया, बीच में यूक्रेन का भी समस्या आ गया, तो कुल मिलाकर के इसमें काफी तगड़ा करेक्शन देखने को मिला ऊपरी लेवल से। लेकिन इस कंपनी ने जो रॉ मटेरियल के चलते इनके मार्जिन में प्रेशर देखने को मिला है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इन्होंने अपने प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ा दिए हैं। मैंने 2-4 दिन पहले ये रिलैक्सो के स्लीपर खरीदे थे तो मुझे 170 रुपीज का एक पेयर मिला है, जबकि मैंने 5 महीने पहले भी स्लीपर एक खरीदे थे, उस समय ये स्लीपर मुझे 140 के आसपास मिला था। तो मुझे तो मार्केट से ही पता चल रहा है कि इन्होंने अपने प्रोडक्ट के प्राइस जो है काफी बढ़ा दिए हैं, तो इसका सीधा सा असर दोस्तों हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा कि जो इनके Q4 के नतीजे आएंगे या FY23 में Q1 Q2 के नतीजे आएंगे, उसमें हम लोगों को न केवल इनके सेल्स फिगर बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे, बल्कि इनके नेट प्रॉफिट में भी हम लोगों को काफी ग्रोथ देखने को मिलेगा, और आज या कल कभी ना कभी जो इनके रॉ मटेरियल के प्राइस काफी एलिवेटेड लेवल पर पहुंच गए हैं उसमें भी करेक्शन देखने को मिलेगा, तो इनके जो नेट प्रॉफिट और सेल्स ग्रोथ है उसमें काफी हम लोगों को ग्रोथ देखने को मिलेगा, और इनके मार्जिन भी काफी इम्प्रूव होते हुए देखने को मिलेंगे, तो हम लोग ये पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं दोस्तों कि ये शेयर इन स्तरों से काफी ऊपर निकलने की कोशिश करेगा, और इसने जो प्रीवियस लाइफ हाई बनाया था तकरीबन 1450 रुपये के आसपास, इस स्तर को भी ये FY23 में तोड़ने की क्षमता रखता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि इसके जो टारगेट हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं, कि जब भी ये ब्रेकआउट देगा तो इसका इमीडिएट टारगेट क्या हो सकता है, तो इसके लिए हम लोग कुछ सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद फिर टारगेट की बात करते हैं। हम लोगों ने दोस्तों सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस ड्रॉ कर लिए हैं, और जो इमीडिएट टारगेट निकल करके आ रहा है रिलैक्सो फुटवेयर में, जब भी ये ब्रेकआउट देगा अपने मजबूत फंडामेंटल के हिसाब से, तो वो क्या हो सकता है दोस्तों, तो उसके लिए हम लोग एक प्राइस लेवल यहाँ पर लगा लेते हैं। तो जो पहला टारगेट होगा रिलैक्सो फुटवेयर में ब्रेकआउट देने के बाद वो 1716 रुपये का निकल करके आ रहा है, तो आप इसे दोस्तों नोट डाउन कर लें कि आने वाले समय में, यानी FY23 फुल ईयर की मैं बात कर रहा हूँ, रिलैक्सो का शेयर जो है वो 1700 के प्राइस पर जा करके अवश्य ट्रेड करेगा, ऐसा हम लोग पूरे विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि धीरे धीरे सारे जो कंडीशन है इसके फेवर में चले जाएंगे, कंपनी के फंडामेंटल तो काफी स्ट्रांग है ही, पास में भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाई है, और कैपेसिटी इन्हांसमेंट के चलते इसके जो वर्टिकल ग्रोथ है वो काफी ज्यादा देखने को मिलेंगे, और उसका सीधा सा फायदा इसके स्टॉक को देखने को मिलेगा, और इसमें आज न कल काफी जबरदस्त री रेटिंग होने की संभावना है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको भी मेरी लॉजिक समझ में आ गई होंगी कि किस आधार पर मैं री रेटिंग की बात कर रहा हूँ। तो मैं एज ए डिस्क्लोजर बता दूं दोस्तों कि जब ये शेयर अपने 100 डेज इमा पर ट्रेड कर रहा था उस समय हमने कुछ पोर्टफोलियो में शेयर ऐड किए थे, बाकी मेरे पास
पोर्टफोलियो पहले से भी रिलैक्सो के शेयर थे, लेकिन कुछ शेयर मैंने ऐड किए थे और मैं इस शेयर को अभी कुछ वर्षों के लिए अपने पास रखना चाहता हूँ। और मुझे उम्मीद है कि जो टारगेट हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कशन में लाया वो अवश्य मीट होते हुए देखने को मिलेंगे। तो आपके भी पोर्टफोलियो में रिलैक्सो के शेयर हैं और आप भी मेरे लॉजिक से कन्विंस्ड हैं, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें कि आपने किस भाव पर रिलैक्सो के शेयर को परचेज किया है और आपकी क्या उम्मीदें हैं रिलैक्सो के शेयर से, तो जरूर कमेंट करें। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं इस प्रकार की एनालिटिकल वीडियो लगातार लेकर के आता रहता हूँ और अपनी व्यूज आप के साथ शेयर करता रहता हूँ। और मेरे सारे के सारे वीडियो दोस्तों एजुकेशनल पर्पस के लिए होते हैं। कोई भी शेयर बाय और सेल करने से पहले आप अपना विश्लेषण जरूर कर लें, अपना एनालिसिस जरूर कर लें, या आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लें। हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।